दोस्तों, फिर क्वेश्चन अपने चैनल में को इस्तेमाल करता हूँ। आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये क्वेश्चन है, ये एक ही प्रश्न के दो हिस्से हैं, तीन तीन नंबर के, यानी छः नंबर का ये प्रश्न है। ये ट्रिग्नोमेट्री के हैं, हाई स्कूल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए। NCERT का जो पैटर्न UP में लागू हुआ है, उसमें 2019 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये सिद्ध कीजिए, इनको हमें सिद्ध करना है। 1 - sin θ / 1 + sin θ ये बराबर है sec θ - tan θ का स्क्वायर। ये दोनों ही साइड्स हमारी बराबर हैं, तो इनको हमें सिद्ध करना है। तो इनको सिद्ध करने के लिए हम एक साइड लेते हैं, जो राइट में है वो राइट हैंड साइड कहलाती है, और लेफ्ट में वो लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है। तो हम एक साइड को लेकर हम चलते हैं, इसमें फार्मूलाज सर्व संख्याएं लगाते हैं और दूसरी साइड हमारी आ जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम प्रूफ करेंगे। तो इस क्वेश्चन को, इन दोनों ही क्वेश्चन को हम दोनों साइड से सिद्ध कर सकते हैं। राइट हैंड साइड ले लें तो लेफ्ट आ जाएगी, और लेफ्ट ले लें तो राइट आ जाएगी। तो इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो इसका ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डिनोमिनेटर है उसका कंजुगेट, यानी ये प्लस 1 + sin θ है, तो 1 - sin θ का अंश और हर में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने पर उसको सॉल्व करते हैं तो हमारी राइट हैंड साइड आ जाती है। अगर हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं तो हमको इस तरह का कुछ गुणा नहीं करना पड़ेगा। हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड, ये है कोष्ठक, हम लगा दिया है sec θ - tan θ और इसका है स्क्वायर। ये है हमारी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड में ला रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड sin θ में है। sec और tan को भी sin को या cos में ही इसको बदलेंगे। तो sec θ कि जो वैल्यू होती है, इसको हम लिख सकते हैं 1 upon cos θ, माइनस tan θ को हम sin cos में लिखें तो sin θ / cos θ होता है, और ये स्क्वायर हमारा होल है। इसको सॉल्व करेंगे, इसका हर सेम है, तो ये हो जाएगा 1 - sin θ / cos θ। हर समान होता है तो हमारे अंश जुड़ जाते हैं और घट जाते हैं, माइनस है तो माइनस हो गया इसका स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं हम 1 - sin θ का स्क्वायर, यानी ये पूरे का स्क्वायर है, तो अंश का अलग स्क्वायर हो जाएगा और हर का अलग स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हो जाएगा cos²θ, ऊपर हमको साइन लाना था 1 - sin θ, तो ये आ गया 1 - sin θ का स्क्वायर, और जो हर में लाना है 1 + sin θ, और यहाँ आ चुका है cos²θ। तो इस cos²θ को भी हम साइन में ही बदलते हैं। तो इसमें देखें कौन सी सर्व संख्या है, ऊपर अंश में है 1 - sin θ का स्क्वायर / cos²θ, ये हमारी एक सर्व संख्या होती है। sin²θ + cos²θ = 1, यहाँ से ले तो cos² की वैल्यू आ जाएगी 1 - sin²θ, इसको लिख देंगे 1 - sin²θ। अब ये आ गया 1 - sin²θ, अगर हम 1 पर भी स्क्वायर लगा दें तो इसमें कोई वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे a² - b² की एक सर्व संख्या की जो रूप है वो बन गया है, तो इसको हम सर्व संख्या लगा देते हैं, 1 - sin θ² को ऐसे ही रखते हैं। जो डिनोमिनेटर में है 1² - sin²θ, तो इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 1 - sin θ और एक ब्रैकेट में 1 + sin θ। ये हमारी a² - b² ये इस रूप में है, a - b और a + b।
अब अंश में है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और हर में है 1 माइनस साइन थीटा, तो इसका जो स्क्वायर है इसको दो बार लिखेंगे तो ये एक बार कट जाएगा। इसको हम दो बार लिख दें 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, बटे में है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो ये 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा, ये बचेगा अंश में 1 माइनस साइन थीटा और हर में 1 प्लस साइन थीटा, और यही हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है, हमने राइट हैंड साइड ली थी sec थीटा माइनस tan थीटा का स्क्वायर, और ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो एक भाग प्रूफ हो गया है, दूसरा हमें हिस्सा दिया गया है। तो ये 3 नंबर का था, दूसरा हिस्सा भी 3 नंबर का है, ये पूरा प्रश्न 6 नंबर का है। तो अब दूसरा हिस्सा हम प्रूफ करेंगे। तो ये भी थोड़ा ही बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा वर्ग है, वहाँ पर साइन था यहाँ कॉस है, वहाँ सेक था टेन था यहाँ पर कुसेक और कॉट है। तो बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट हैंड साइड ले लें। इसमें दिया गया है कोस एक थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर, इसको भी हमको साइन कॉस में बदलना है, कोसेक होता है 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं। यहाँ पर भी इसमें हर में आ गया साइन थीटा तो ये आ जाएगा साइन थीटा और ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये स्क्वायर ऊपर भी होगा और ये स्क्वायर नीचे भी होगा, बिल्कुल वैसे ही 1 प्लस कॉस थीटा आ गया है, यहाँ पर स्क्वायर है, साइन थीटा नीचे है और हमें लाना है 1 माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा को भी कॉस में बदल लेंगे और उसी सर्व समका की सहायता से जो पाइथागोरस परिभाषा बनी है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी 1 स्क्वायर कर लें तो स्क्वायर माइनस स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे एक कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा से कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया है क्या है 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, ये बराबर है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर के बराबर। तो ये क्वेश्चन 2019 में हाई स्कूल यूपी बोर्ड में आ चुका है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसी तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। पसंद वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और जो स्टैंड हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हासिल हो जाए।